आपके घर में सोप होगा, शैम्पू होगा, फिर बाद में कंडीशनर भी होगा और इसके साथ साथ हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर और फिर फेस वॉश भी होगा और ऐसे ही कई सारे प्रोडक्ट्स होंगे जो कि आप अपने पर्सनल क्लीनिंग के लिए या फिर अपने हाउस होल्ड क्लीनिंग के लिए यूज करते होंगे। लेकिन ये सारी चीजों की शुरुआत कहाँ से हुई और ये सोप हमें कहाँ से मिला, हमें जाना होगा बेबीलोन में 2800 BC पहले। यहाँ की औरतें जब पानी में अपने कपड़े धोने जाती थी तो उन्होंने नोटिस किया कि उनके कपड़े उस स्पेसिफिक लेक में धोने से कपड़े बहुत ही ज्यादा साफ हो जाते हैं। लेकिन जब इस चीज के बारे में वो लोगों ने रिसर्च की तो उनको ये समझ में आया कि उस लेक को लग के ही एक पहाड़ था जिसके ऊपर बकरियों की बलि दी जाती थी, तो वहां से जो बकरियों की चर्बी थी वो पानी के अंदर मिक्स हो जाती थी और उस टाइम की औरतें साफ करने के लिए राख यूज किया करती थी। तो जब पानी के अंदर राख और चर्बी मिलाई गई तो एक ऐसा सॉल्यूशन मिला है जिससे उनके कपड़े साफ होने लग गए। फिर आते हैं हम एशियंट इजिप्ट में। मिस्र में 1500 BC पहले एब्सर पपायरस नामक एक मेडिकल डॉक्यूमेंट मिला जाता है जहाँ पे क्लीनिंग एजेंट का जिक्र मिलता है जो कि कपड़े साफ करने में और मेडिकल इस्तेमाल में किया जाता था। इजिप्ट से अभी हमें रोम जाना होगा। रोम के अंदर भी साबुन का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। द एल्डर कहता है कि रोम के अंदर साबुन को चर्बी, पानी और राख को साथ में लाके बनाया जाता था। इस वक्त तक साबुन ने अभी तक कोई शेप नहीं लिया था। अलग अलग टाइप के और अलग अलग कल्चर्स के अंदर अलग अलग साबुन बनाए जाते थे लेकिन इन सब का बेस एक ही था, पानी, राख और जानवरों की चर्बी। और स्पेसिफिकली रोम के अंदर बालों को सॉफ्ट रखने के लिए साबुन इन्वेंट किया गया था। रोम से हमारी अगली डेस्टिनेशन होगी 7th century में। स्पेन और इटली के अंदर साबुन बनाना एक कला बन चुका था और जो अरबियन लोग थे उन्होंने साबुन के अंदर खुशबूदार पदार्थ मिलाए जो कि अरबी लोगों की खूबसूरती के लिए और बालों को मुलायम रखने के लिए यूज किया गया। अब रिनेसांस पीरियड में आते आते मतलब 12th century में आते आते ट्रेड काफी ज्यादा बढ़ चुका था और यूरोपियन ट्रेडर्स जो कि इटली, फ्रांस और स्पेन में जाया करते थे वहां से उन्हें सोप एक्वायर हुआ और सोवन और इटली के अंदर एक बड़ा हब बन चुका था सोप मैन्युफैक्चरिंग का। और 12th century में ये सोप एक लग्जरी आइटम था जो कि महाराजा और महारानी ही यूज कर सकते थे। लेकिन फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मतलब 18th century के अंदर ये मास प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया और सारे लोगों के पास अब साबुन आ चुका था। अब जब ये सोप मास प्रोडक्शन होने वाला था तो उस वक्त सोप की मैन्युफैक्चरिंग चर्बी, ऐश और पानी से नहीं की जा सकती थी। तो यहाँ पे निकोलस लेब्लांस ने एक नया तरीका डिस्कवर किया, सॉल्ट से बनाया गया सोडा ऐश जो कि आगे चल के सारे प्रोडक्ट्स का एक बेस बन चुका था। और अब 19 और 20 सेंचुरी आते आते ये सोप मेकिंग बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुकी थी और बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि लिवर बदर या फिर आज यूनिलीवर इंडस्ट्रीज नाम से जानी जाती है, ये कंपनी और प्रॉक्टर एंड गैम्बल ये दोनों कंपनी सोप को मास प्रोड्यूस करने लग गए और काफी सारे वेरिएंट्स भी निकाले। तब से आज तक आपको हर सेगमेंट के लिए अलग अलग सोप मिलेगा, मतलब जैसे कि हाथ धोना हो तो हैंड वॉश, मुंह धोना हो तो फेस वॉश। लेकिन आज भी सोप का वही काम है जो कि 2800 BC के पहले था, वो है ह्यूमन को साफ रखना और हेल्दी रखना। अभी अगर आपको ये सोप की जर्नी इंटरेस्टिंग लगी है तो आपको ऐसे भी और वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, तो उस चीज के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं तो एक सब तो आपकी तरफ से बनता है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ये स्टोरी, शायद आपकी ये रश भरी जिंदगी में थोड़ा सा वक्त आपको एक्साइटिंग चीजें देखने में मजा आ जाए। और अगर आपको ये नहीं पता कि इंडिया के अंदर एक नया नशा स्टार्ट हो चुका है तो ये वीडियो देखो एक बार, आप शॉक हो जाओगे।